नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। मेरठ में लॉकडाउन के चलते जहां लोगों को घर से निकलने पर मनाही है, वहीं मेरठ में सेक्स रैकेट का भी धंधा फल फूल रहा है। मेरठ में आज लोगों की सूचना पर पुलिस ने एक सेक्स रैकेट पर छापा मारा। पुलिस ने रंगे हाथों दो महिलाओं और छह युवकों को हिरासत में लिया है। हालांकि बाद में जब पुलिस ने लड़कियों की आपबीती सुनी तो उन्हें छोड़ दिया गया। मामला मेरठ के थाना लिसाड़ी के क्षेत्र समर गार्डन चौकी का है, जहां एक घर में एक युवक अकेला रहता है। अचानक इस घर में दो बाइकों पर सवार होकर पांच लोग पहुंचे, जिसमें दो लड़कियां भी शामिल थी। मोहल्ले वालों को पिछले कई दिनों से इस तरह की गतिविधियां देखने को मिल रही थी, जिसके चलते आज उन्होंने पुलिस को बुलाकर छापा मार दिया। इस दौरान दो युवतियां और छह लड़के अमर्यादित गतिविधियों में नजर आए। पुलिस ने सभी को हिरासत में ले लिया, जिसके बाद जब पुलिस उन्हें थाने लेकर पहुंची तो सभी से पूछताछ की गई। जब लड़कियों से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि पहले वो रेड लाइट एरिया में काम करती थी, लेकिन आजकल लॉकडाउन की वजह से उनके घर में खाने के पैसे नहीं हैं। ऐसे में उन्हें अपनी रोजी रोटी के लिए इस तरह के गंदे धंधे का सहारा लेना पड़ रहा है। पुलिस ने लड़कियों को हिदायत देकर छोड़ दिया, वहीं लड़कों के खिलाफ मुकदमा दर्ज की तैयारी की जा रही है। मेरा नाम अहमद अब्बासी है। अहमद अब्बासी, क्या चल रहा था आपके पड़ोस में? पड़ोस वाले मकान में रैकेट चल रहा था, और वो जो है हफ्तों से चल रहा था। एक दिन रात में 10 बजे भी था, लेकिन हमने चाहा नहीं उस टाइम। लेकिन मौके में महल्ले ने पूरे ने देख के, हमारे पास फुटेज वगैरह सब चीज़ है, पूरे महल्ले ने देख के जब जाके इसको पूरे को घिराव करके जब पकड़ा। ये सेक्स रैकेट किसका चल रहा था, कौन है वो महिला, क्या नाम है? महिला का नाम नहीं है, महिला बाहर की है और महल्लेदार पड़ोसी। तो किसके घर में चल रहा था ये लड़का? है उसके हाजी है, वो जो तो गांव है लॉकडाउन की वजह से वो लड़का अकेला रहता है घर में। उसके घर में चल रहा था? हाँ। क्या नाम है लड़के का? उसको लड़के का नाम पूछना पड़ेगा, नाम मेरे ध्यान में नहीं है। तो आपको कैसे पता चला इसमें सेक्स रैकेट चल रहा है? अंदर फुटेज लगी हुई है कैमरे की हमारे मेन रोड पे, उसमें जब औरतें गई, कभी औरतें महिलाओं का काम नहीं है, मर्दाने लड़के रहते हैं उसमें, तो फिर औरतों का क्या काम है? इसलिए शक करा फुटेज से। दीनू, दीनू जी क्या चल रहा था आपके पड़ोस में? मैं भैया, मेरा एक वो आ गए थे मेरे भाई जी, हम दोनों जने बाहर बैठे थे चौतरे पे, तो एक मोटरसाइकिल और एक स्कूटी पे पांच जने आए, और आने के बाद में वे अंदर चले गए उस मकान में हाजी जी के में। उसके बाद में एक लड़का बाहर निकला जो हरी पट्टी वाला है, उसने जो ना मोटरसाइकिल ले जाकर दो लेडीजों को लाया, एक बुरखे में थी एक लाल कपड़ों में, जो अब मौजूद है यहाँ पे, वो अंदर चलेगी। फिर मैंने अपने सहज महल्ले वाले इकट्ठे कर लिए।